और ये देखो प्याला में मिलता है, चाय में मिलता है, प्याला में एक पोपट हो गया हम लोग के साथ, गाड़ी का तेल खत्म हो गया था, ऐसे तो हम लोग खींच के खुदा के ले आए। देखो हाँ ठीक है तो अरे मालिक यार ये तो स्टार्टिंग नहीं हो रही यार, फंस गए हम लोग ऐसे 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 ऐसे, तब तक गाड़ी गिर गई। और ये रिश्ता अच्छे से आना, और ये रस्सी हम लोग का देसी जुगाड़, ये देखो कहाँ बात है भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, और ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं भोपाल में। आप देख सकते हो कल हम लोग थे इंदौर, आज भोपाल आ चुके हैं, क्योंकि हम लोग को जाना था, ट्रेन था 11 बजे, तो टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, तो 8 बजे की टिकट हम लोग को कन्फर्म मिली है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही घूमने फिरने, तो चलो डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं जमजम रेस्टोरेंट। तो भाई ये देखो, ये भोपाल का जमजम फास्ट फूड फेमस है भाई, यहाँ पे बिरयानी और बर्गर, चिकन बर्गर बहुत तगड़ा मिलता है भाई। तो चलो मैं अंदर दिखाता हूँ आपको मेनू क्या क्या है, कितना प्राइस है। तो ये देखो, ये हम लोग थे तो 50 से 60 हुआ, 60 से 70, 70 से 80 हो चुका है हाफ, और फुल 120। और चिकन बर्गर 70 रुपया था, 80 रुपया हो चुका। यहाँ पे ये देखो लो, प्याज बिरयानी वो देखो भाई, वो बिरयानी भाई बहुत टेस्टी रहता है बिरयानी। और यहाँ पे बनता है बर्गर जो भी है, चिकन और भी देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये मेन्यू देखो आप, यहाँ से ये सब मिलता है, बिरयानी वहाँ से मिलता है। तो भाई ये चिकन बिरयानी आ गई, आप लोग देख लो, चिकन बिरयानी आ गई, बहुत ही बार ये आपको मिल रहा है भाई, मेरा फेवरेट है ये, बहुत फेवरेट है भाई। टेस्ट भी करके, टेस्ट करके रिव्यू भी दे दो जमजम का, भोपाल का जमजम टेस्ट करके भाई। टेस्ट तो वही है, बिल्कुल सेम टेस्ट है यार, भूला नहीं हो गया टेस्ट, मस्त है भाई। आप लोग भी जमजम में पक्का ये ट्राई कीजिए, वैसे मैं तो वेज बना रहा हूँ, वेज आपको दिखाता हूँ अब। सो गाइस, दिस इज अवर वेज बिरयानी, देखो चटनी से अच्छी लग रही है बहुत, काजू मटर वगैरह सब डाला हुआ है। अब आया वेजिटेरियन तो मुझे वेज ही खाना पड़ेगा, तो लेट्स ट्राई दिस। काजू वगैरह सब डाला है इसमें, देखो भाई ये क्या क्या डाला है भाई, काजू वगैरह सब डाला है, इट्स गुड टेस्टी है। चलो तो फिनिश करो खाओ। सो भाई चिकन बिरयानी खाने के बाद ना बर्गर ऑर्डर करने गया है, चिकन बर्गर उसका फेवरेट है जमजम रेस्टोरेंट, जब भी खाएगा तो यहीं पे खाएगा। बर्गर भी आ गया उसका, जमजम का बर्गर, जमजम मेयोनीज दिया और सॉस दिया, बहुत टेस्टी होता है यहाँ का बर्गर, इतना बड़ा मुंह खुल जाएगा तुम्हारा। बहुत गर्म भाई, गर्म है बहुत, टेस्ट कैसा है वैसे तो? टेस्ट तो पूछो मत, बहुत बहुत बड़ा गाइस, ये देखो कितना बड़ा है, लेकिन गरम गरम दिया है ना जो बर्गर, अंदर देखो क्या क्या है, देखो ये गरम से कैसे निकल रहा है, देखो ये गरम गरम। चलो इसको इसको खा लेता है, फिनिश कर देता है, तब आपको और भी दिखाते हैं और क्या क्या खाते हैं हम। हमारे आज की हायाबुसा देख लो आप लोग, रेड कलर की हायाबुसा, और वैसे जमजम का टेस्ट तो भाई अच्छा लगा, मुझे भी वेज बिरयानी अच्छा लगा इधर का, बढ़िया नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, वेज कम मिलता है, बट वेज बिरयानी भी अच्छा लगा। ठीक है अब चलते हैं हम लोग मलाई चाय पीने, मलाई चाय भाई, चचा की चाय मलाई चाय, चलो आपको ये भी पिलाते हैं, दो चाय लगा दो चाय। और ये देखो प्याला में मिलता है, चाय में मिलता है, प्याला में मलाई देखो कैसे डालते हैं हम, देख लो गरम गरम रहता है, फर्स्ट क्लास, मलाई डालेंगे ऊपर से गाइस, ये जो टेस्ट है ना इधर का, ये सबसे चला गया अंदर भाई, गरम गरम फर्स्ट क्लास, ये देखो प्याला में चाय गाइस देखो। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पता है तुम्हें भोपाल का फेमस चाय, और हमारी यादें बहुत जुड़ी हैं इस चाय से, वैसे ये भी आपको टेस्ट बता ही दें, वैसे ना ये चाय पीने का मजा इसमें आता है, प्याला में भाई आनंद है, आनंद 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 है भाई, इस चाय में आनंद है। चाय तो खत्म हो गया, अब देख लो कप पूरा कंप्लीट, अब एक एक चाय और खाएंगे भाई, ये चाय मतलब पी पी के इसमें मन नहीं बढ़ता है भाई, इसलिए हफ्ता अब एक एक चाय और लेने गया है, तो एक चाय खत्म हो गया, दूसरा चाय भी लेके आता है तो दिखाता हूँ आपको, और देखो आ ही गया है, देखो दो दो चाय एक और आ गया है भाई, सब इसको जितना ही पियो ना मन नहीं भरेगा,
तो मस्त गरम गरम चाय देख लो, भाप निकलता है वो फर्स्ट क्लास। मलाई देखो भाई ऊपर का मलाई, चलो मलाई चाय ना। अब इसको दूसरा भी इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो गाइज वहाँ पे पहले एक मैं आपको एक करेक्शन बता दूँ कि वहाँ जो हमने चाय पिया था ना वो 5 रुपए का नहीं था भाई, क्या पहले हम लोग तो बढ़ गया है यार, लेकिन फिर भी 7 रुपए भी बहुत सस्ता है। पहले हम लोग 5 रुपए पीते थे, अब 7 रुपए। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे बिरयानी लेने आए हैं, यहाँ पे देखो फेमस बिरयानी मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग बिरयानी पैक करवा, बिरयानी पैक करवा के सीधा अब मैं वहीं मिलूंगा दोस्त से मिलवाऊंगा, दोस्त नहीं एक भाई है वो मेरा। एक पोपट हो गया हम लोग के साथ, गाड़ी का तेल खत्म हो गया था, ऐसे तो हम लोग खींच के खुदा के ले आए और पेट्रोल तो डल गया बट स्टार्ट नहीं हो रहा यार, और ये बिरयानी पहुंचाना है उसके पास भाई के पास। भाई देखो यार 100 किक मार रहा है, ये वो कितना किक मार रहा है भाई, स्टार्ट नहीं हो रहा यार, पोपट हो गया और रात के बज रहे हैं, देखो टाइम कितना हो रहा है, ये देखो 10:30 होने जा रहा है। अरे यार अब मैं थक गया भाई, इसको मार लो थोड़ा, देखते हैं यार ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई होता है तो गाइस बताता हूं आपको ट्राई हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टार्ट तो करना ही है। गाइस फाइनली स्टार्ट हो गया यार, किस्मत वाला है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा स्टार्ट नहीं हो रहा था ये, चलो स्टार्ट हो गया अभी पहुंचाते हैं, सीधा मिलेंगे आपको भाई के पास ही। हे भगवान स्टार्ट हो गया बस, नहीं तो कहां जाते क्या करते रात में। तो गाइस वैसे रात का नज़ारा देखो, वैसे हम लोग सोचे थे लेक भी जाने के लिए लेकिन यार रात हो चुका, अब नहीं जाएंगे, कुछ दिखा नहीं पाएंगे रात में, नहीं दिखेगा। चलो देखो हम लोग अब राजा भोज आपको दिखाते हैं, जो कि पुल है राजा भोज, राजा भोज सेतु जिसको बोलते हैं, ये है पूरा राजा भोज सेतु, कितना ब्यूटीफुल लगता है। और ये देखो ये पूरा लेक है जो कि अंधेरे में आपको नहीं दिख रहा होगा अभी, ये पूरा लेक है, सिटी ऑफ लेक्स, वो भी जल नहीं रहा है, वहाँ लिखता है वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स भोपाल, बट वो जल नहीं रहा है अभी पता नहीं किसके कारण, और ये पूरा पानी ही पानी है यहाँ पे, देख लो लेक है और ये राजा भोज सेतु देखो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये देखो ये है राजू टी स्टॉल, अगर आप लोग अभी भोपाल विजिट करना है ना तो यहाँ का चाय जरूर पीना, ये देखो राजू टी स्टॉल RTS, यहाँ का चाय जरूर पीना, यहाँ का भी चाय भाई एक नंबर है, क्योंकि हम लोग आपको चाय ही बता रहे हैं हर जगह, लेकिन चाय यहाँ पे भोपाल में आपको हर जगह फेमस ही मिलेगा, भोपाली चाय, भोपाल में आए तो चाय भाई। तो गाइज आपको ये छोटा थोड़ा तो दिख रहा होगा मस्जिद, देख लो ये बहुत ही जामा मस्जिद के जैसा, बिल्कुल 100% वैसा ही है, जामा मस्जिद जैसे दिल्ली में ना हो सेम वैसा ही है, रात को थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, अभी थोड़ा ज्यादा नहीं दिख रहा होगा, तो यही था मस्जिद। और ये अब रास्ता जा रहे हैं अपने भाई के पास डायरेक्ट, आ गए हम लोग, तो अभी हम लोग बैरागढ़ जाएंगे। तो गाइज मेरे भाई से मिल लो ऋषभ, मैं इसी की बात कर रहा था, इसी के लिए हमने बिरयानी लिया था, इससे भूखा हुआ था बेचारा, क्योंकि घर पे अभी आंटी अंकल नहीं है, मतलब मम्मी पापा नहीं है ना ही बहन है, तो देख हाँ हाँ ठीक है। चाय कुछ आती नहीं है बनानी, खुद बना के पी लो। तो भाई क्या मतलब सीखा नहीं है क्या, तो बनाने नहीं आता है तुम्हें, सीखा नहीं है? नहीं सीखा। तो भाई जब वो टेस्ट करने जा रहा है जो चिकन बिरयानी उसके लाया था, टेस्ट करके आपको खुद रिव्यू दे देगा कि कैसा लाया था क्या नहीं, भाई तारीफ कर देना थोड़ी। हाँ ठंडा हो गया था, बारिश हो रही थी भाई, वैसे भी रोकना पड़ा था थोड़ा, गाइस बारिश इतनी हो रही थी ना बाहर, ठंड भी लग रही थी और गाड़ी भी खराब हो गई है फिर से हमारी, पोपट तो हो ही रहा है रोज रोज, देखते हैं गाड़ी भी स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से और दूर भी जाना है। हाउ इज द टेस्ट? अच्छा, मैं नहीं खाता भाई, आई एम वेजिटेरियन। चावल तो खा सकते हो? मैं तो खा, देख लो शेयरिंग से नहीं, वो खा के आया फिर भी उसका पेट नहीं भरा, देख लो गाइस एक प्लेट खाया फिर भी, मतलब देख मुझे दलीदर बोलता, खुद दलीदर है। अच्छा लगा ना टेस्ट? से थैंक यू टू मी। चलो खा लेता है फिर, अब उसके बाद थोड़ी सी बातचीत होगी, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, बातचीत करके फिर हम लोग गाड़ी भी स्टार्ट करना है, वापस भी जाना है, पहुंच जाएंगे आज, इसीलिए यार बहुत दिक्कत हो रही है, सुबह ट्रेन भी है यार अपनी, भाई यार तेल तो लिए थे यार 100 रुपये का तेल डलवाए थे यार, 100 रुपये लगते हैं भाई, 5 किलोमीटर भी नहीं अभी नहीं चले, चलो 5 किलोमीटर बस हम लोग वहाँ से, वो जो है ना लाल घाटी गए पेट्रोल पंप में, वहाँ से हम लोग तेल लेके बस यहाँ आए, चलो बीच में बंद हो गया, सुबह ट्रेन भी है, घर पहुँचना है अभी, मुझे नहीं लगता कि स्टार्ट, फोन करो क्योंकि भाई इसको स्टार्ट नहीं हो रहा, क्या करना है बोलो, सही नहीं ना होगा अभी, डायरेक्ट उसी को फोन कर, चाहता हूँ मत कर, एक बार फोन लगा रहा हूँ मैं, फोन लगा रहा हूँ जो ऑनर है ना इसका, उसका फोन लगा रहा हूँ, स्पीकिंग टू समवन एल्स, ठीक है आपको सुना, एक बार तू स्टार्ट कर। हेलो, अरे मालिक यार ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही यार, फंस गए हम लोग, ठीक से भी नहीं, नहीं हुई यार तब से कर रहे हैं भाई, तेल तो है यार, तेल भी है, कैसे बैठ गया गाइस, गाड़ी तो स्टार्ट करते करते गिर गई, पता नहीं यार गाड़ी में क्या हो गया है, वो दौड़ के गिर गई थी भाई, दौड़ के गाड़ी स्टार्ट करते तब तक, हाँ ऐसे 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 तब तक गाड़ी गिर गई, तो ट्राई करते हैं देखते हैं, स्टार्ट तो करना है भाई, रूम पे चलना है,
स्टार्ट करते हैं। देख लो गाइस स्टार्ट तो हो नहीं रहा है, करना सेल्फ मारना भाई, सेल्फ से नहीं होगा, किक मारो एक बार देखते हैं। तो किक मार के वैसे गाइस कितना जुगाड़ लग रहा है देख लो गाड़ी को खींचने के लिए, ये गाड़ी ने धोखा दे दिया बीच रास्ते में भाई साहब। रात के अभी देख लो कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं अभी 1:30, 2 बजने वाला है भाई, 2 बजने वाला है। और देख लो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे अंधेरे रात में कोई नहीं है, गाड़ी खींचने का तरीका एक गाड़ी से कम्बल लेके आए थे, इसका फायदा हो गया। अब ठंडा लगेगा, ठंडा लगेगा तो लगेगा, लेकिन गाड़ी पहुंचाना था सबसे पहले। गाइस फाटक दिक्कत नहीं है, उस टाइम भी पेट्रोल था। हाँ पेट्रोल है लेकिन गाड़ी प्रॉब्लम है। गाइस फाटक के पास खड़े हुए, वो फाटक वाले अंकल बोलते क्या करो रात को। चलो भाई अब डायरेक्ट हम लोग पता है कहाँ मिलेंगे, रूम सीधा रूम पे। अगर बीच में कुछ होता है तो वो भी आपको बता देंगे, बता देंगे, लेकिन सीधा आप लेकिन कुछ भी हो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गाइस तो गाइस पहला मतलब ये गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी, बट वो गाड़ी में प्रॉब्लम है अभी। तो गाइस इसको भी किक मारना पड़ेगा, लेकिन एक किक में ये एक किक में हो जाएगा। ये देखो, अरे यार चाबी ऑन तो कर लो, ऑन। चलो देखो ये गाइस हो गया एक किक में। चलो ये रास्ता और ये रिसाब अच्छे से आना, और ये रस्सी हम लोग का देसी जुगाड़। ये देखो कहाँ बात है गाइस, ये देखो खींच तो ले रहा है, ये ऐसे जाने वाले हैं हम लोग भाई। तो चलो तारा भाई मुझे तो भाई क्या क्या हो रहा है आज पता नहीं यार। हम लोग वैसे ये रस्सी ना बहुत काम की चीज है, वैसे काम में आ जा रही है ये, हम लोग मिलने आए थे ऋषभ से यार बेचारा, वो भी कहेगा कि क्या क्या काम करवा रहे हैं हम लोग से बताओ। कोई नहीं भाई, वही बोल रहा हूं भाई, सॉरी भाई, मजा आ रहा है तुमको, ये रस्सी देख लो भाई। वैसे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट रूम, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गए हम लोग हाईवे पे, आराम से हाईवे पे चलेंगे मस्त। गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं ढाबा पे, सोचे चाय पी ले, और ये दोनों स्कूटी देख लो, ये जुगाड़ वाली स्कूटी, चाय पी लेते हैं तो फिर रूम निकलते हैं डायरेक्ट। यहाँ से चाय लेते हैं, ये बस स्टैंड है भोपाल की, यहाँ से चाय लेते हैं उसके बाद निकलते हैं डायरेक्ट। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन, बट अब वो फ्लैट ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है रात में, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे सरवीर के फ्लैट में, वही ढूंढने प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी फ़ोन किया उसको, वो आता है और देख लो पहुँच चुका है भाई, वैसे ही बांध के सेम, वैसे ही ऋषभ पीछे बैठा है वैसे ही ले आया है। हम लोग पहुँच गए वैसे ही बांध के, तो अभी तो रूम में मिल गया है अभी तो, और कैसे भी करके आया गया। अब देख रहे हैं स्टार्ट हो रही नहीं, अपना पाजी स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि गुड मॉर्निंग पहले तो आप सभी को, ये ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट डे से सुबह मॉर्निंग में, और अभी टाइम हो रहा है 7:30। रात को ना 3 बज गया था, और हम लोग को मतलब थोड़ा बहुत सोना भी था, बहुत तेज नींद आ रही थी, दो दिन हो गए से भूल भी गए हम ब्लॉगिंग करना। वैसे तो हम लोग पहुँच गए थे अच्छे खासा, जैसे आपने देखा ही होगा पूरे वीडियो में। तो लोग जा रहे हैं अब ट्रेन में, देखो हमने बैग वैग ले लिया, अब जा रहे हैं हम लोग सीधा वापस घर पे दिल्ली। नींद तो आ रहा है, आग देख लो अभी छोटे छोटे नींद आ रहा है, बहुत तेज सो ही नहीं है, रात को 3 बजे सोए थे और सुबह उठना पड़ा क्योंकि ट्रेन थी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाने इस फैमिली का हिस्सा भाई, और लाइक जरूर करना यार, लाइक एक एक कमेंट जरूर करना भाई, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको मस्ती जरूर आएगा, इस मस्ती के लिए तो एक लाइक एक शेयर कर देना। हम लोग डेली अपडेट रहते हैं, डेली हम लोग ब्लॉग डालेंगे ही डालेंगे। चलो मिलते हैं अब एक नए ब्लॉग में एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।